एनिमल किंगडम में जंगली जानवर की कोई कमी नहीं है। आपको जंगल में हर कदम पर एक नया शिकारी जानवर देखने को मिल जाएगा। इन शिकारी जानवरों का दिन रोजाना सुबह शिकार की तलाश के साथ शुरू होता है तो किसी न किसी की जान लेकर खत्म होता है। लेकिन इसके बावजूद इनकी लाइफ में भी कुछ ऐसे लम्हे आ जाते हैं जब ये खुद किसी और का शिकार बन जाते हैं या फिर शिकारी इन्हें मात देकर वहाँ से भाग निकलता है। और जब ऐसे मूवमेंट होते हैं तो इन्हें देखने में मज़ा भी बड़ा आता है। आज हम आपको जंगली जानवरों के कुछ ऐसे ही मूवमेंट बताने वाले हैं जहां शिकारी जानवर के हाथ से शिकार निकल गया। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे जरूरी बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। लायन वर्सेस हाइना। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि जंगल का राजा शेर शिकार की तलाश में कहीं भटक रहा है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जिसे आज किसी न किसी को अपना शिकार बनाकर ही मानेगा। लेकिन वहीं इसके सामने हायना का एक बड़ा झुंड आ चुका है। वैसे हायना के बारे में आपको बता दें कि जंगल के वह शिकारी हैं जिन्हें अपनी बेरहमी के कारण जाना जाता है। जहां जंगल के बाकी शिकारी अपने शिकार को मारकर उसका मांस खाना पसंद करते हैं, तो वहीं हायना है कि अपने शिकार को जिंदा ही नोचने लग जाता है। यहां भी हम देख सकते हैं कि हायना ने मिलकर एक शेर को घेर लिया है और सभी उसके आसपास घूमकर उसे परेशान करने में लगे हुए हैं। हालांकि शेर को परेशान करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हायना का यह झुंड बड़ा है और शेर भी इस बात को समझ चुका है कि वह ज़्यादा देर इनके आगे नहीं टिक पाएगा। वह हायना को अपने से दूर भगाने की कोशिश करता है, लेकिन हायना है कि उसे परेशान करने में लगे हुए हैं। आखिरकार वह बेचारा भी चुपचाप बैठकर रह जाता है। एक पल के लिए तो इस लड़ाई में ऐसा लगता है जैसे हायना शेर को आज मौत के घाट उतार देंगे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि शेर की मदद करने के लिए एक और शेर वहाँ आ पहुँचता है। शेर के आते ही सभी हायना उस जगह से भागना शुरू कर देते हैं। वैसे दोस्तों, यह तो एक दूसरा शेर वहाँ पर आ गया, लेकिन सोचिए अगर वह शेर नहीं आता तो इस शेर का क्या हाल होता। लायन वर्सेस बफेलो। दोस्तों, जंगल के राजा शेर के लिए किसी भी जानवर को मार गिराना कोई मुश्किल काम नहीं है। यह जब चाहे किसी भी शिकार पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार सकता है, लेकिन कभी कभी इसके सामने भी कोई ऐसा जानवर आ जाता है कि इसे भी मुंह की खानी पड़ती है। जैसे आप इस वीडियो को ही देख लीजिए, यहाँ हम देख रहे हैं कि एक शेर और एक भैंस के बीच में खतरनाक लड़ाई चल रही है। ये दोनों ही एक दूसरे को मार गिराने के लिए बेताब है। शेर ने जहाँ भैंस के मुंह को अपने मजबूत जबड़े से पकड़ा हुआ है, तो वहीं भैंस भी उस शेर को अपने सिंह से मारने के लिए उतावली हो रही है। उसका हमला भी शेर पर इतना खतरनाक होता है कि शेर कुछ ही देर में लहूलुहान हो जाता है। मगर शेर तो शेर है, भला हार किसे मान ले। वह जमीन पर गिरने के बाद भी एक बार फिर से कोशिश करता है और उस भैंस पर अपनी पूरी ताकत से लपक जाता है, लेकिन वह पहले से ही इतना घायल हो चुका है कि उसका हमला भी भैंस के लिए बहुत ज्यादा घातक नहीं होता। उल्टा भैंस ही उस पर फिर से खतरनाक हमला कर देती है। कुछ देर तक चली इस लड़ाई में हम देखते हैं कि आखिर में शेर घायल होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है, जबकि भैंस उसे वहीं खड़ी होकर देखती रहती है। वैसे दोस्तों, भैंस हमेशा इतनी आक्रामक नहीं होती, लेकिन जब उसकी जान पर बनाए तो फिर वह क्या हल करती है, यह तो हम देख ही चुके हैं। हायना वर्सेस गैजेल। जंगल के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक हायना अपने खोखार हमले और शिकार को जिंदा नोच खाने की प्रवृत्ति के लिए जाना जाता है। यह वो शिकारी है जो अगर एक बार किसी के पीछे पड़ जाए तो फिर उसका जिंदा बच पाना नामुमकिन है। लेकिन कहते हैं ना कि शेर को भी कभी कभी सवा शेर मिल ही जाता है, तो फिर हायना क्या चीज़ है। जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ एक हायना जंगल में अपने शिकार की तलाश में भटकता चला जा रहा है। वह कुछ दूर चलता है कि उसे एक चीता दिखाई पड़ता है, लेकिन चीता पहले से ही एक गिजल को अपना शिकार बना चुका है। वैसे आमतौर पर तो चीता किसी से नहीं डरते, लेकिन जब बात हायना की होती है तो वो भी एक कदम पीछे हटा लेते हैं। यहाँ जैसे ही हायना धीरे धीरे चीता के पास जाने लगता है तो चीता भी डरकर वहाँ से भागना ही सही समझता है। अब हायना उस गिजल को पकड़ लेता है और उसे खींचने लग जाता है, लेकिन इतने में अपने से दूर खड़े चीता को देख लेता है और फिर से एक बार उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। मगर इसी बीच हम देखते हैं कि वह गैजल तुरंत ही उठ खड़ा होता है और वहां से भाग जाता है। इधर हायना और चीता दोनों से देखते रह जाते हैं और साथ ही हमें भी यह बात समझ आती है कि गैजल तो वहां मरने का नाटक कर रहा था। वैसे कुछ भी कहो, उस गैजल ने अपनी जान तो इन शैतानों से बचा ही ली। हैन वर्सेस ईगल। हमने बचपन से ही यह बात सुनी है कि एक बच्चे के लिए सबसे खास उसकी माँ होती है। जब कभी बच्चे पर कोई आफत आती है तो सबसे पहले उसकी माँ ही आगे आती है। यह बात इंसानों पर ही नहीं जानवरों पर भी लागू होती है। दरअसल जंगल में जब किसी बच्चे पर किसी खतरनाक शिकारी का हमला होता है तो माँ अपनी जान की परवाह किए बिना ही उससे भिड़ जाती है। यहाँ एक मुर्गी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ एक जगह पर बैठी हुई है। उसे इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं है कि उसके बच्चों पर किसी शिकारी की नज़र पहले से ही पड़ चुकी है। दरअसल हम बात कर रहे हैं गिद्ध के बारे में, जो इन बच्चों पर अपनी नजरें गड़ाए बैठा है। वह जैसे ही सही मौका दिखता है तो उस मुर्गी के बच्चों पर खतरनाक तरीके से हमला बोल देता है। उसका हमला आमतौर पर इतना खतरनाक होता है कि कोई भी शिकार उससे बच नहीं पाता, लेकिन यहाँ उसका मुकाबला एक माँ से हो रहा है जो अपने बच्चों को बचाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। गिद्ध हर बार अपनी चोंच और पंजों से उस पर हमले करने में लगा रहता है, लेकिन वही मुर्गी है कि उसके हर हमले का जवाब देती है। बाकी देर तक यह लड़ाई इन दोनों के बीच में ऐसे ही चलती रहती है,
लेकिन आखिर में हम देखते हैं कि वह मुर्गी के सामने टिक नहीं पाता और उसकी हार हो जाती है। दोस्तों, जब एक माँ अपने बच्चे की जान बचाने के लिए लड़ती है तो अंजाम कुछ ऐसा ही होता है। ज़ेब्रा वर्सेस क्रोकोडाइल। जिस तरह जमीन पर हम शेर को सबसे खतरनाक जानवर मानते हैं, तो उसी तरह पानी की बात करें तो यहाँ मगरमच्छ का राज चलता है। जंगल में जब भी कोई जानवर पानी में उतरता है तो वह सबसे पहले इस बात का ध्यान रखता है कि कहीं उस पानी में कोई मगरमच्छ तो मौजूद नहीं है, वरना वह भी इस बात को अच्छे से जानता है कि मगरमच्छ उसका क्या हाल करेगा। यहाँ एक नदी में काफी मगरमच्छ मौजूद है, तो वही किनारे पर कुछ ज़ेब्रा भी खड़े हैं जो उस नदी को पार करना चाहते हैं। हालांकि उनके मन में भी यह डर है कि कहीं मगरमच्छ उन पर हमला न कर दे, लेकिन इसके बावजूद भी वे नदी में उतर जाते हैं। इधर जैसे ही वे नदी में आगे बढ़ते हैं कि मगरमच्छ एक्टिव हो जाते हैं और उन पर हमला बोल देते हैं। इनसे बचने के लिए कुछ ज़ेब्रा तो आगे निकल जाते हैं, मगर एक ज़ेब्रा किसी तरह से मगरमच्छ के हाथ आ जाता है। मगरमच्छ उस पर खतरनाक तरीके से टूट पड़ता है और तुरंत ही उसे पानी में खींचने लगता है। इधर ज़ेब्रा भी कुछ कम नहीं है, वह भी लगातार उससे बचने के लिए अपने पैर को चलाता रहता है। हालांकि मगरमच्छ से बचना आसान नहीं है, लेकिन इसी बीच ज़ेब्रा की एक कोशिश कामयाब हो जाती है और वह उसके पैर को मगरमच्छ की पकड़ से आजाद करवा लेता है। अब जैसे ही वह खुद को खुली हवा में पाता है तो तुरंत ही वहां से दौड़ लगाकर भाग जाता है। इधर मगरमच्छ उसे देखता रह जाता है और ज़ेब्रा अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। लायन वर्सेस क्रोकोडाइल। दोस्तों, हमने जमीन और पानी दोनों में रहने वाले शैतानों के हमलों को तो देख ही लिया है और यह बात भी हम अच्छे से समझ गए हैं कि दोनों ही कितने खतरनाक होते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर यह दोनों ही एक दूसरे के सामने आ जाएं तो क्या होगा? क्या मगरमच्छ शेर पर भारी पड़ेगा या शेर ही मगरमच्छ को धूल चटा देगा? चलिए देखते हैं। इस जगह कुछ शेरों ने एक मगरमच्छ को घेर कर रखा हुआ है। वे कभी उस मगरमच्छ के पास जाते हैं तो कभी उसे छेड़ने में लग जाते हैं। शायद उन्हें भी यह लग रहा होगा कि आज मगरमच्छ को मजा चखाने का सही मौका आ चुका है, लेकिन शायद वे इस बात पर गौर नहीं कर रहे कि मगरमच्छ भी खतरनाक जानवर है। शेर लगातार मगरमच्छ पर हमला करते रहते हैं, लेकिन साथ ही उनके चेहरे पर इस बात की भी शंका नजर आ रही है कि कहीं मगरमच्छ उन पर पलटकर हमला न कर दे, डरते रह जाते हैं। लेपर्ड वर्सेस पॉर्क्यूपाइन। दोस्तों, वैसे तो जंगल में एक से बढ़कर एक कई खतरनाक जानवर पाए जाते हैं, लेकिन अगर बात किसी ऐसे जानवर की जाती है जिससे बड़े बड़े जानवर भी डरते हैं, तो उसका नाम है पॉर्क्यूपाइन। दरअसल यह एक ऐसा जानवर है जिसके पास जाने से भी अच्छे अच्छे जानवर कांपते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, शायद आप इस वीडियो को देखकर अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि जिसके सामने लेपर्ड भी हार मान जाता है, आप खुद ही सोच सकते हैं कि वह कैसा होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक लेपर्ड जंगल में आज अपने शिकार के लिए निकला है, लेकिन तभी इसकी नज़र एक पॉर्क्यूपाइन पर पड़ती है और यह उसका रास्ता रोक लेता है। वैसे तो लेपर्ड खुद एक खतरनाक जानवर है, लेकिन यहाँ वह भी पॉर्क्यूपाइन से थोड़ा सा डरा हुआ लग रहा है। इसके पीछे कारण है पॉर्क्यूपाइन के शरीर पर मौजूद कांटे। दरअसल ये कांटे ही इसकी हिफाजत का काम करते हैं और साथ ही इसके शिकारी को चोट भी पहुंचाते हैं, क्योंकि ये इतने नुकीले होते हैं कि किसी भी जानवर को आसानी से घायल कर सकते हैं। बस इसी बात से लेपर्ड भी डर रहा है और बचते हुए इस पर हमला करने में लगा हुआ है। वहीं पॉर्क्यूपाइन है, जब भी लेपर्ड इसके पास आने की कोशिश करता है तो यह अपने कांटों को आगे कर देता है और खुद बच जाता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। लेपर्ड काफ़ी देर तक अपने शिकार को चोट पहुँचाने की कोशिश में लगा रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे भी इस बात का एहसास हो जाता है कि यह शिकार उसके बस की बात नहीं है। और एक समय ऐसा भी आता है जब लेपर्ड थक कर नीचे बैठ जाता है और पॉर्क्यूपाइन महसूस भाग जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे हमले जहाँ शिकारी खुद शिकार बन गया। वैसे आमतौर पर देखा जाए तो शिकारी के हमले कम ही नाकामयाब होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कभी कभी ऐसे मौके भी आ जाते हैं कि शिकार उन्हें सबक सिखाने में कामयाब हो जाता है और बेचारे शिकारी को ही वहाँ से मुंह की खानी पड़ती है। वैसे आपको इन सब हमलों में से कौन सा सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।